एक बार का भव, जब महाराज जनक ने सीता का स्वयंवर किया, सबरी राजा समान जुड़े थे। एक बार एक राजा के संग है, राजा को दोस्त पहुंचो धनुष यज्ञ में। तो राजा बोले चलो धनुष यज्ञ में, हमें धनुष टूटने और सीता के संगे हमाओ ब्याह होने। तो राजा पहुंचे, जब देखो कि धनुष भगवान राम ने तोड़ दो, उते से परशुराम जी क्रोधित होते हुए आए। तो राजा को दोस्त राजा से बोले, महाराज तुम कह के कछुल वाले आए, वो इतने ब्याही कलेवा की तो कोई पूछते ही नहीं है, और जो सब ठीक है महाराज, लेकिन आज हमें लगत है कि हमारी जान बचावो आज इतने मुश्किल है। कान लगो वो देखो आप, अरे बोरे बिद गए हैं आज तुम मेरे संग में, बोरे बिद गए हैं आज तुम मेरे संग में, कांसे फंसे ऐसी दंद में, बोरे बिद गए हैं आज तुम मेरे संग में, कांसे फंसे ऐसी दंद में। बोले तुम छल करके लवा ले आए। बोले वोते हमें धनुष तोड़ने हैं, सीता के संगे हमाओ ब्याह होने। बोले हमें कापा तो हतो, हम जानते तुम बलधारी, अरे हम जानते तुम बलधारी, धनुष तोड़ ब्याह हो सके मारी, ले हो संग भमरिया डारी, ले हो संग भमरिया डारी। हम जानते कि तुम बहुत बलधारी आहो, धनुष तोड़ने तुम्हें सीता के संगे तुम्हारा ब्याह हो जाने। बोले हमें कापा तो हतु, अरे हम जानते तुम बलधारी, धनुष तोड़ ब्याह हो सके मारी, ले हो संग भमरिया डारी, ले हो संग भमरिया डारी। लेकिन तुम तो के हरदी लगाए बैठे रेरी अंग में, कांस फंसे ऐसी दंद में, बोरे बिद गए हैं आज तो मेरे संग में, कांस फंसे ऐसी दंद में। बोले तुम तो अपने हाड़न में महाराज हरदी लगाई बैठे रहे, और हमें तो रास्ता से लवा ले आए कि चलो धनुष यज्ञ को स्वयंवर है, हमें धनुष तोड़ने हैं। बोले लेकिन आज बोले जान बचबो मुश्किल है, काहे बोले परशुराम जी आ गए फरसा लेके, अब नहीं बचने। बोले सुनो, अरे मुश्किल बचबो जान हमारी, अरे मुश्किल बचबो जान हमारी, गुस्सा में है फरसा धारी, घरे बाट देखत घर बारी। बोले घरे बाल बच्चे बाट देखत हुई है के बोले हमारे महाराज आ रहे, और अब बोले उन्हें कापत हो के हम तुम्हारे संगे छल में फंस गए थे। अरे मुश्किल बचबो जान हमारी, गुस्सा में है फरसा धारी, घरे बाट देखत घर बारी। लेकिन के भंग हो गौ है, हाँ ये भंग हो गौ है ऐसे नोन रंग में, कांस फंसे ऐसी दंद में, बोरे बिद गए हैं आज तो मेरे संग में, कांस फंसे ऐसी दंद में। तो बोले सबसे बड़ी आफत तो बोले तुम्हारे संगे आके जा हो गई। बोले का, अरे कोना ब्याई कलेवा पूछे,
अरे कोना ब्याई कलेवा पूछे एठत है सब अपनी मूछे चलो घरे कर चलिए छूटे चलो घरे कर चलिए छूटे बोले यार तुम कह रहे थे कि हमें धनुष टोलने हैं सीता से हमारा स्वयंवर हो जाए बोले यते तो ना तो कोई ब्याई कलेवा को पूछ नहीं रहो अरे कोना ब्याई कलेवा पूछे एठत है सब अपनी मूछे चलो घरे कर चलिए छूटे चलो घरे कर चलिए छूटे बोले काए हमें मुश्किल लग रहा हो के घरे पहुंचबो बड़ी मुश्किल है लौट के जान बचबो अरे हाँ ये जान बचबो है मुश्किल ई जंग में फांस फंसे कैसी दंत में बुरे बित गए हैं आज तुम्हारे संग में फांस फंसे कैसी दंत में लेकिन बोले महाराज ऐसो छल में ना फंसाए करो हम अपनो काम कर रहे थे तुम बोले हमारे संगे चलो लेकिन सुनो अरे आज बचा लो हे भगवान राजा विनती करने लगो बोले महाराज आज इन फरसाधारी हर से बचा लो जीवन में ऐसे स्वयंवर में ना या भी चाहे कछु हो जाए अरे आज बचा लो हे भगवान आफत में फंस गई है जान बिसर गए मीठा पकवान बोले जोन मीठा पकवान के लाने हम घर से आए थे तुम्हारे संगे बोले सब बिसर गए ना परशुराम जी को फरसा देखे ब्याह तो मरा तुम्हारा भौनी है ना होने है सीता के संगे आज बचा लो हे भगवान आफत में फंस गई है जान बिसर गए मीठा पकवान बिसर गए मीठा पकवान के बोरे फंस गए हैं हाँ के बोरे फंस गए हैं संदीप छल छंद में ये बोरे फंस गए हैं संदीप छल छंद में कांस फंसे ऐसी दंद में बोरे बिद गए हैं आज तो मेरे संग में आज फंसे कैसी दंद में बोरे बिद गए हैं आज तो मेरे संग में कांस फंसे ऐसी दंद कथा व्यास पंडित श्री संदीप महाराज को आप पवन कैसेट पर सुन रहे थे भजन संध्या एवं कथा भागवत हेतु 78 97 40 89 14 पर संपर्क करें।